तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विजय शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फिर कैपिटल मार्केट ऑपरेशन या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का एक और टॉपिक जिसका नाम है सरेंडर ऑफ मेंबरशिप। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने डाउट्स वीडियो में कमेंट करने हैं और आप हमारा वेबसाइट चेक आउट करनी है। हमारी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.yourfinanceteacher.com। तो यहाँ पर आप हमारी सारी वीडियोस कैटेगरी वाइज देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी बेस्ट वीडियोस, हमारी पॉपुलर वीडियोस, सारी नई वीडियोस, सब कुछ आपको कैटेगरी वाइज दोस्तों मिल जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2 ट्रेडिंग मेंबरशिप, इसमें हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आपको पहले वो वीडियो देखनी होगी और उसके लिए आप देख सकते हैं हमारा खुद की प्लेलिस्ट फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस आपके फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे डाउट्स आपकी सारी वीडियोज़ चैप्टर वाइज प्रोवाइडेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एडमिशन प्रोसेस पढ़ लिया था। एडमिशन, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस पता है तो वेल गुड, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले एडमिशन प्रोसेस देखिए तभी आप सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप देख पाएंगे। पहले एडमिशन फिर सरेंडर। तो ये राजू जी हैं, इनका नाम है राजू जी और ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं इसका मतलब है कि ये एक ट्रेडिंग मेंबर हैं। तो हम TM से जानेंगे। ये राजू जी हैं, ये एक ट्रेडिंग मेंबर हैं। अब इन्होंने अपनी अप्लाई किया था, एप्लीकेशन डाली थी मेंबरशिप के लिए, इन्हें एप्लीकेशन मिल गई। इन्होंने 3 साल ट्रेड किया, 3 ईयर्स इन्होंने ट्रेड किया। अब 3 साल बाद इनको अब क्या करना है, मेंबरशिप सरेंडर करनी है। अब इनको मेंबरशिप सरेंडर करनी है दोस्तों। अब मेंबरशिप सरेंडर करनी है तो क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था कि आप जब चाहे जब मर्जी मेंबरशिप ले भी सकते हैं और जब चाहे जब मर्जी मेंबरशिप छोड़ भी सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, वन कैन एंट्री एंड एग्जिट from the market at any time दोस्तों। तो अगर आप membership, अगर आप admission लेना चाहते हैं तो आपको admission भी मिल जाएगा और अगर आप अपनी membership surrender करना चाहते हैं जब मर्जी तो आपको वो भी मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आप बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब चाहे आप एंट्री करें जब चाहे एग्जिट करें, देर आर नो एंट्री एग्जिट बैरियर इन द मार्केट। तो आप एंट्री और एग्जिट जब मर्जी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग मेंबर कैन अप्लाई फॉर सरेंडर। यहाँ पे है हमारा, ट्रेडिंग मेंबर कैन अप्लाई फॉर सरेंडर ऑफ देयर मेंबरशिप, ट्रेडिंग मेंबरशिप वंस एडमिटेड टू द एक्सचेंज। एक बार आप एक्सचेंज में एडमिट हो गए तो आप जब मर्जी आराम से सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप कैन बी परमिटेड बाय द एक्सचेंज आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन बाय द मेंबर सच एज। तो आपको इसके लिए ना कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ रहे हैं तो आपको कुछ बातें हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, टू सरेंडर हिज मेंबरशिप वन हैव टू गो थ्रू और कंप्लीट सम एसेंशियल्स टू, आपको कुछ असेंशियल वर्क करने पड़ते हैं
एसेंशियल काम करने पड़ते हैं। तो और उनमें सबसे पहले आता है आपका, देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरिंग ऑफ ऑल ड्यूज, आपको सारे ड्यूज क्लियरिंग ऑफ करने हैं, क्लियरिंग ऑफ करने हैं। तो क्लियरिंग ऑफ ऑल ड्यूज, आपको सारे ड्यूज, मतलब आपका किसी भी ट्रेडिंग मेंबर से उधार है तो आपको वो ड्यू आपके क्लियर करने पड़ेंगे। एक्सचेंज के साथ है तो एक्सचेंज के साथ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सचेंज की, तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज के साथ आपके क्या लो, आपकी कोई ट्रेडिंग मेंबरशिप छूटी हुई है जो पे करनी है आपको, मेंबरशिप फ़ीस जो फीस छूटी हुई है, या फिर आपका कुछ और अमाउंट पे इन या पे आउट अमाउंट भी कुछ छूटा हुआ है, ये सारी बातें हम आगे आके पढ़ेंगे वैसे दोस्तों। लेकिन अगर आपके कोई भी ड्यू है एक्सचेंज एंड NSCCL और एक्सचेंज, नेशनल क्लियरिंग, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर एक्सचेंज जिस एक्सचेंज में आप काम कर रहे हैं मतलब कि NSE, इसके साथ आपका अगर कोई भी ड्यू है, अगर कुछ भी पैसा बचा हुआ है तो वो आपको वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने सारे जो ड्यूज हैं आपको सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, नोटिफाई ऑल द ट्रेडिंग मेंबर फॉर नो ड्यू सर्टिफिकेट, तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा अपने सारे ट्रेडिंग मेंबर से, सारे ट्रेडिंग मेंबर को आपको क्या करना है, जितने भी आपके ट्रेडिंग मेंबर हैं मार्केट में, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर हैं सबको नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ, अगर आपके पास मेरा कोई ड्यू है तो आप मुझसे, अगर आपके पास मेरा कोई पैसा बचा है जो मैंने देना है तो आप मुझसे अभी क्लेम कर लें, और अगर नहीं है तो प्लीज़ प्रोवाइड मी नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो ये नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको देना है किसको, आपको किसको देना है, आपको आपके जो ट्रेडिंग मेंबर हैं और मार्केट में उनको आपको देना पड़ेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि आप आराम से विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी कोई भी किसी मतभेद के बिना आप आराम से मार्केट से सरेंडर कर पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैसा किसी ट्रेडिंग मेंबर के पास पड़ा होगा तो आपको उसे वो पे करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। तो आपको ऑब्टेनिंग नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द ट्रेडिंग मेंबर्स इन द मार्केट। तो यहाँ पर ये बात हमें साफ सुथरी लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग मेंबर हैं वो आपको नहीं देंगे, मतलब कि ट्रेडिंग मेंबर इन्फॉर्म करेंगे सेबी को, और सेबी को इन्फॉर्म करने के बाद सेबी आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ट्रेडिंग मेंबर को बताना पड़ेगा कि मैं मार्केट छोड़ रहा हूँ। तो ट्रेडिंग मेंबर क्या करेंगे, बोलेंगे कि सेबी को भाई इसका कोई उधार हमारे पास नहीं है, अगर होता है तो वो ये भी बताएंगे, अगर नहीं होता है तो ये भी बताएंगे। जब सब पता चल जाएगा तब सेबी आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और वो नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको किसको दिखाना है, एक्सचेंज को दिखाना है, ताकि आप एक्सचेंज से मेंबरशिप छोड़ सके दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन, इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन इन लीडिंग डेलीज, इन न्यूज पेपर और ETC, मतलब न्यूज़पेपर के अलावा जितने भी और लीडिंग डेलीज हैं जो रोज़ चलने वाले, मतलब कि कोई ऐसे वो हैं जो रोज़ चलने वाले, एक तरीके से अखबार हो गए, मैगज़ीन हो गए, जो रोज़ बिकने वाले मैगज़ीन या अखबार हैं, उनमें आपको अपने इश्तिहार देना पड़ेगा कि हाँ जी मैं मार्केट से निकल रहा हूँ, मैं मार्केट छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे नो ड्यूस, प्लीज़ अगर कोई भी ऐसा कस्टमर है या फिर जिसका मेरे पर ड्यू है तो वो अभी क्लेम कर ले, क्योंकि मैं मार्केट सरेंडर, अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर रहा हूँ, तो ये भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, तभी आपको आपकी मेंबरशिप सरेंडर की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी एक लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों, उस लॉक इन पीरियड के बाद ही आपकी मेंबरशिप छूटी जाती है। तो ये क्या कहता है, आगे क्या कहता है देखिए यहाँ पे, द डिपॉजिट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, बार बार नीचे चला जाता है ये,
वुड बी रिलीज्ड बाय द एक्सचेंज NSECL आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड लॉक इन पीरियड। तो कहता है कि डिपॉजिट तब रिलीज होगा, क्यों, आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपको एडमिशन मिला था तब आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता था ताकि अगर आप कोई फ्रॉड करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से अमाउंट रिकवर किया जा सके जहां तक हो सकता है, तो वो आपको तब मिलेगा। तो उसके बाद जो प्रोसेस है सरेंडर के बाद, क्या प्रोसेस है, द डिपॉजिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सरेंडरिंग मेंबर, द डिपॉजिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सरेंडरिंग मेंबर आफ्टर द लॉक इन पीरियड एक्सपायर्स। तो एक लॉक इन पीरियड होता है, एक टाइम लिमिट होती है, वो टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद ही आपका डिपॉजिट आपको रिलीज़ किया जाता है, आपका डिपॉजिट आपको दिया जाता है। तो आपको तभी आपका डिपॉजिट वापस मिलेगा जब आपका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, और वो लॉक इन पीरियड इतने आसानी से ख़त्म नहीं होता है, लेकिन बहुत मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है, अलग अलग डिपेंड्स ऑन अलग कस्टमर्स टू कस्टमर, हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों। तो अब इसके बाद आपको एक चीज़ और क्या समझनी है कि इसके लॉक इन पीरियड के भी अलग अलग लॉक इन पीरियड भी उन कुछ केसेस में नहीं लगता है, बट देयर इज नो लॉक इन पीरियड इन द गिवन कंडीशंस। तो कुछ गिवन कंडीशंस हैं, इन गिवन कंडीशंस में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अब ये कंडीशंस क्या हैं, इन कंडीशंस से हम गो थ्रू करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है नॉट सेबी रजिस्टर्ड। इफ़ यू आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, अब आप बोलेंगे यार सर सेबी रजिस्टर्ड तो करना पड़ता है तभी आप ट्रेडिंग मेंबरशिप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मान लीजिए कि आपने अभी अभी एडमिशन लिया, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो पहली कंडीशन है नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो सेबी रजिस्टर्ड कैसे, मान अगर आपने एडमिशन पढ़ा था तो वहाँ पे क्या पढ़ा था आपने कि पहले आपको एक्सचेंज पे ट्रेडिंग मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, देन फिर आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको सेबी के पास सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है, क्या पता मान लो हमारा जो मेंबर उसने ट्रेडिंग मेंबरशिप ली लेकिन उसने कुछ टाइम बाद ही एक बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के उसने सोचा कि नहीं मैं अब मेंबर से सरेंडर कर रहा हूँ, उसका मन नहीं था, तो यहाँ पर वो कंडीशन में आपको लॉक इन पीरियड नहीं दिया जाता, आपका पैसा आपको उतनी ही स्पीड से वापस कर लिया जाता है। उसके बाद अगर इसमें डाउट हो तो मुझसे पूछना कमेंट में। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आता है नॉट सेबी रजिस्टर्ड के बाद, वो आता है सेबी रजिस्टर्ड बट नॉट इनेबल्ड। सेबी, एक सेकेंड, सेबी रजिस्टर्ड बट नॉट इनेबल्ड। कहता है सेबी रजिस्टर्ड तो हो गए आप लेकिन इनेबल्ड नहीं हुए। अब इसका क्या मतलब, मतलब कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन अभी मिला नहीं है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी इशू नहीं हुआ है, आपने रजिस्टर कर लिया है लेकिन अभी आपको इशू नहीं हुआ है, आपको इनेबल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यह कंडीशन भी आती है। अब यहाँ पर एक और वर्स्ट कंडीशन आती है सेबी रजिस्टर्ड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड एंड इनेबल्ड बट नॉट ट्रेडेड एट ऑल। इसका क्या मतलब हुआ, अब सर हैं इसका भी तो कुछ मतलब है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपने सेबी पे भी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, आप इनेबल्ड भी हो चुके हो लेकिन स्टिल आपने क्या किया, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपने कोई ट्रेडिंग नहीं की है, आपको नीट सिस्टम नहीं मिला है। तो इसका मतलब तब भी आपको लॉक इन पीरियड नहीं दिया जाएगा, तब भी आप आराम से अपनी मेंबरशिप सरेंडर करके, जब मर्जी अपनी मेंबरशिप सरेंडर करके आप
का वो आपको रिसीव हो जाएगा जो आपने डिपॉजिट किया है NSCCL और एक्सचेंज के पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो ये तीन कंडीशन होती है जहाँ पे लॉक इन पीरियड अलाउड, जहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं होता है देर इज़ नो लॉक इन पीरियड, आराम से आपको अमाउंट मिल जाता है। बाकी सारी कंडीशंस में आप जब मेंबरशिप सरेंडर करते हो तो आपको लॉक इन पीरियड के थ्रू निकलना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो होपफुली ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है ना, अब हमारे पास आगे एक और चीज़ है जो हमें पढ़नी है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब असली वाला हम पढ़ेंगे कि भैया सरेंडर का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो सरेंडरिंग वाला प्रोसेस हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ सरेंडरिंग ट्रेडिंग मेंबरशिप। तो प्रोसीजर क्या होता है ट्रेडिंग मेंबरशिप को सरेंडर करने का, यही प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है दोस्तों, उस पॉइंट को ध्यान से समझना दोस्तों। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेडिंग मेंबर हैं तो अगर आपको मेंबरशिप छोड़नी है तो दोस्तों अगर आपको मेंबरशिप छोड़नी है तो आपको एक प्रिस्क्राइब मैनर में इन राइटिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ आप मेंबरशिप छोड़ना चाहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा और लिख के बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरी ट्रेडिंग मेंबरशिप वापस ले ली जाए। तो ये पहला पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना। और दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोसीजर मतलब कौन कौन, हु इज़ एलिजिबल, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, हु इज़ सस्पेंडेड, देखिए आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ बीन सस्पेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय द एक्सचेंज एंड सेबी। तो अगर आपको और सेबी या फिर आपको एक्सचेंज के द्वारा ही आपको सस्पेंड कर दिया गया हो, आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो, आपने कोई गलती की हो या फिर ऐसा काम किया हो, ऐसा कार्य किया हो जो आपको नहीं करना था, अगर आपने ऐसा कुछ किया है और आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो आपको अपनी मेंबरशिप सरेंडर करनी है। सेकेंड थिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी इन्वेस्टिगेशन एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट और टू अ डिफॉल्ट हैज़ बिन इनिशिएटेड बाय द एक्सचेंज या सेबी। कहता है कि जिसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई एक्शन लिया गया हो डिफ़ॉल्ट के लिए, कोई गलती, कोई डिफ़ॉल्ट आपने किया है मार्केट में एक्सचेंज और सेबी के द्वारा, अगर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई गई हो तब भी आपको अपनी मेंबरशिप सरेंडर करनी पड़ेगी। उसके बाद कहता है हु इज़ फॉलन विद इन द कैटेगरी ऑफ एसोसिएट एज डिफाइंड बाय सेबी। तो कहता है सेबी ने जो डिफाइंड किया है एसोसिएट को, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि आप किसी ट्रेडिंग मेंबर के एसोसिएट हैं, अगर आप किसी ट्रेडिंग मेंबर के एसोसिएट हैं, उसके लिए काम करते हैं और आपके पास ट्रेडिंग एसोसिएट की मेंबरशिप है, तब भी आपको अपनी मेंबरशिप सरेंडर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी मेंबरशिप सरेंडर कर रहा है, तो उसके एसोसिएट को भी मेंबरशिप सरेंडर करनी पड़ेगी। द फोर्थ पॉइंट इज़ हु ओज ड्यू टू द एक्सचेंज एंड NSCCL। अगर आपका आप ट्रेडिंग मेंबर हैं और आपका कोई ड्यू, कोई भी अमाउंट ड्यू है एक्सचेंज या NSCCL के पास, तब भी आपको मेंबरशिप सरेंडर करनी पड़ेगी। अगेंस्ट होम क्लेम by the investor of value 10 lakh or more than are pending or any claim for any amount is pending for a period of more than 6 months। तो कहता है कि अगर किसी आपके खिलाफ, अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर हैं और आपके खिलाफ 10 लाख से ज़्यादा कोई अमाउंट पेंडिंग है किसी इन्वेस्टर का, आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट पे करना है, ठीक है, और आप उस अमाउंट को पे करने कि जो अवधि है वो 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी मेंबरशिप। यू हैव टू सरेंडर योर मेंबरशिप दोस्तों। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सरेंडर और सस्पेंशन में फ़र्क होता है। सस्पेंशन वाली वीडियो अगली है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप आराम से देख सकते हैं, वहाँ से आप सस्पेंशन और एक्सपल्शन देख सकते हैं। सरेंडरिंग और सस्पेंशन में फ़र्क होता है, तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों। फिर उसके बाद कहता है अगेंस्ट होम एनी क्लेम अदर claim complaint is pending which is in the opinion of the exchange NSCCL needs to resolved by the concerned trading member। कहता है अगर आप ट्रेडिंग मेंबर हैं, आपके खिलाफ कोई क्लेम या फिर कोई कंप्लेंट पेंडिंग है जो NSCCL और एक्सचेंज के NSCCL एक्सचेंज के द्वारा भी, मतलब उनके द्वारा अप्रूव की गई है, तो अगर
वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है तब तो ठीक है। अगर वो चीज़ आप रिजॉल्व नहीं कर पाते, मान लो आप आपसे किसी कस्टमर ने क्लेम किया कि आपको इतना पैसा उस कस्टमर का देना है, आपने नहीं दिया, अगर आपने क्लेम कंप्लीट कर दिया, क्लेम दे दिया जैसे ऊपर लिखा था 6 महीने के अंदर अंदर दे दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं दिया और ट्रेडिंग मेम्बर हो आप और आपने ये कंसर्न जो आपने कंसर्न रिजॉल्व नहीं किया, आपने ये प्रॉब्लम सही नहीं की, तो आपकी मेम्बरशिप चली जाएगी, सरेंडर करवा दी जाएगी, आपको करनी पड़ेगी। हुज टर्नओवर फीस लाइबिलिटी टू सेबी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। और जो सातवां और आखिरी पॉइंट है, कहता है कि अगर आपकी टर्नओवर फीस लाइबिलिटी है, अगर आपने जो आपको एक टर्नओवर फीस पे करनी पड़ती है सेबी को, अगर वो फीस आपने पे नहीं की है, आप ट्रेडिंग मेंबर हो, आपने वो फीस पे नहीं की है, तब भी आपको मेंबरशिप, आपको जो टर्नओवर फीस लाइबिलिटी आपने पे नहीं की, तब भी आपकी मेंबरशिप सरेंडर कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, तो बिल्कुल इसको मन में घुसा लो ताकि आपको ये सारी बातें ध्यान में रहें दोस्तों। तो चलिए फिर उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ दी है, अगर आपकी ट्रेडिंग मेंबरशिप सरेंडर हो गई है, तो आप अगले एक साल तक वापस री एडमिट नहीं हो सकते। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आपने ट्रेडिंग मेंबरशिप आपकी सरेंडर हो चुकी है, तो यू कांट, आप एक साल तक अगले फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर, आप हाईलाइटेड यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप, आप ट्रेडिंग मेंबरशिप की डेट से जिस दिन आपकी ट्रेडिंग मेंबरशिप गई है, सस्पेंड हुई है, जिस दिन आपकी ट्रेडिंग मेंबरशिप सरेंडर हुई है, उस दिन से लेके अगले एक साल तक आप वापस री एडमिट नहीं हो सकते, वापस आप एडमिशन प्रोसेस आप एडमिट नहीं कर सकते, वापस आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर द ट्रेडिंग मेंबरशिप अगेन। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखनी है। तो फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है, तो दोस्तों जो हमारे पास तीसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा, ट्रेडिंग मेंबर तब तक अपनी उसको रीएडमिशन नहीं मिलेगा जब तक उसका एक साल नहीं हो जाता है हिज सरेंडरिंग मेंबरशिप वाले दिन से लेके एक साल तक, वो अगले एक साल तक मेंबरशिप के लिए वापस अप्लाई नहीं कर सकता। द फोर्थ पॉइंट इज ट्रेडिंग मेंबर हैव टू रिटर्न ऑल द certificate he got from SEBI, NSE, NSCCL और ETC। ट्रेडिंग मेंबर को सारे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, NSE का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, NSCCL का क्लियरिंग मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन और जितने भी वो जहाँ जहाँ पे वो ट्रेडिंग करने के लिए उसने मेंबरशिप ली हुई है, उन सारे सर्टिफिकेट्स को उसे वापस करना पड़ेगा उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि उसके पास ट्रेडिंग मेंबरशिप मार्केट में फ्रॉड करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट बचा ना हो, ये सारे उसे वापस करने पड़ते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेडिंग मेंबर हैव टू रिटर्न द VSAT टू द EXCHANGE। ट्रेडिंग मेंबर को VSAT भी एक्सचेंज को रिटर्न करना पड़ता है। VSAT होता है वेरी स्मॉल अपेचर टर्मिनल, ये एक नीट सिस्टम वाला कंप्यूटर होता है, एक सॉफ्टवेयर, एक तरीके से हार्डवेयर होता है, नीट सिस्टम वाला सर्वर होता है, ये सर्वर हर ट्रेडिंग मेंबर के पास होता है, ये भी उन्हें वापस करना पड़ेगा क्योंकि इसके ज़रिए ही वो ट्रेडिंग आराम से नीट सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सर्वर इन्हें वापस करना पड़ेगा, ये भी VSAT भी आप हमारे ट्रेडिंग मेंबर को वापस करना पड़ता है टू द एक्सचेंज, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इन द ई पॉइंट, VSAT वापस करना पड़ता है, सारे इक्विपमेंट डीलिंग ऑफिसर्स से अपने डिसमेंटल करके वापस भेजने पड़ते हैं किसको, हमारे एक्सचेंज को। उसके बाद कहता है, हमने जो पढ़ा था, ट्रेडिंग मेंबर हैव टू give a public notification in leading dailies।
तो पब्लिक नोटिफिकेशन भी देना पड़ता है, पूरे पब्लिक को बताना पड़ता है कि भाई मैं मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ, अगर किसी के कोई ड्यू हैं तो प्लीज़ मुझसे क्लेम कर लें, अगर क्योंकि ये ज़रूरी है, अगर हमारे ट्रेडिंग मेंबर का कहीं पर कोई ड्यू होगा तो वो हम उन लोगों को मिल जाएगा जिनके उनके ट्रेडिंग मेंबर के पास ड्यू बचे हुए हैं, क्योंकि ट्रेडिंग मेंबर ऐसे ही बिना ड्यू कंप्लीट करे बाहर नहीं निकल सकता, मार्केट से सरेंडर नहीं कर सकता अपनी मेंबरशिप, तो वो भी इन्हें वापस हमारे ट्रेडिंग मेंबर को वापस करना पड़ेगा लीडिंग डेलीज़ में, न्यूज़पेपर में, या फिर हर जगह जहाँ जहाँ पे भी नोटिस लगाया जा सकता है पर न्यूज़पेपर में भी नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेडिंग मेंबर हैव टू सेंड अ लेटर टू द सेबी फॉर नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट हमारे सेबी से लेना पड़ेगा हमारे ट्रेडिंग मेंबर को, ताकि हमारा ताकि वो सर्टिफिकेट वो एक्सचेंज को दिखा पाए हमारा ट्रेडिंग मेंबर और आराम से अपनी मेंबरशिप छोड़ पाए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारे प्रोसीजर होते हैं दोस्तों हमारे ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ने के, हमारे ट्रेडिंग मेंबर के। तो होपफुली आपको सरेंडरिंग ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप ये टॉपिक समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वेबसाइट जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आपको लिंक में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, जरूरी वीडियोज़, और आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस प्लेलिस्ट में देख के आप सारे अपने टॉपिक्स को आराम से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बाय बाय, नमस्ते, गुड बाय।